हरियाणा टाइगर्स क्लब यमुनानगर के द्वारा सिविल अस्पताल यमुनानगर में थैलेसीमिया के से ग्रस्त मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। क्लब के सचिव करमवीर बूटर ने बताया कि सीएमओ और डिप्टी सीएमओ ने हरियाणा टाइगर्स क्लब के सदस्यों को थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान कैंप लगाने के लिए प्रेरित किया था। कैंप ने उनकी इस बात से प्रेरित होकर शनिवार को सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रक्तदान कैंप का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ सीएमओ वीके शर्मा व डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में 97 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ, जिसमें से 5 यूनिट ओ नेगेटिव रक्त एकत्रित हुआ है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। इस कार्यक्रम में कई सदस्य ऐसे थे जिन्होंने 20 से 21 बार खून दिया था। एक सदस्य राजेश गुप्ता ने 40वीं बार खून दिया। सीएमओ व डिप्टी सीएमओ ने सभी सदस्यों को सम्मानित किया व क्लब की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि क्लब ने आज जो शुरुआत की है ये बहुत ही सराहनीय कदम है। उन्होंने क्लब के समाज सेवा व खेलों के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भी क्लब का धन्यवाद किया व क्लब के सदस्यों को आगे भी इस तरह के कार्यक्रम जारी रखने के लिए प्रेरित किया। ये ब्लड डोनेशन क्लब थैलेसीमिया बच्चों के लिए लगाया गया है। 5 तारीख को यहाँ पर हमने ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसमें विजय दहिया डॉक्टर साहब ने हमारे को बताया कि यहाँ के थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड की बहुत ज़रूरत है। तो क्लब की मीटिंग की गई और निर्णय लिया गया कि ब्लड डोनेट किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हरियाणा टाइगर क्लब ब्लड डोनेट करने के लिए आया हुआ। मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ हरियाणा टाइगर क्लब यमुनानगर का, जिन्होंने इस बहुत ही खूबसूरत मैं कह सकता हूँ विषय है कि ब्लड डोनेशन एक तो वैसे ही बहुत बहुत महान कार्य है, क्योंकि ब्लड जो आप डोनेट करते हो उससे बड़ा कोई दान नहीं होता। लेकिन खास तौर पर ये थैलेसीमिया वाले बच्चों के लिए दिया गया है, इसके लिए ये और भी बधाई के पात्र है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग बच्चों के अंदर खुद का खून नहीं बनता, उनके लिए तो खून एक सांस लेने की से भी ज़्यादा की महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे सांस की हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऐसे ही बच्चों को खून की जरूरत होती है। इस कार्य के लिए ये जो संस्था हमारे साथ आई है, और मैं इनसे अपील करता हूँ, साथ साथ इनसे रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करते रहें, और मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और खासतौर पर थैलेसीमिया सोसाइटी की तरफ से इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि इस पूरी कार्य में इन्होंने हमारे साथ में शामिल किया। ये 5 मई को टाइगर क्लब का और जो वार्षिक हम कार्यक्रम मनाते हैं स्थापना दिवस, उस दिन हमने सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर के अंदर फल फ्रूट का वितरण किया था जरूरतमंदों में, बीमार बच्चों के लिए और जो जरूरी सामान बांटा था। तो डॉक्टर दहिया साहब जो हमारे इसमें हैं, इन्होंने क्लब के आगे ये एक डिमांड रखी थी कि यहाँ थैलेसीमिया से जो पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए, उसका आयोजन किया जाए। तो क्लब ने सर्वसम्मति से हमारे सभी अमरपाल जी, चेयरमैन साहब जी, गुलाब राजीव कारमंगा जी, मनीष शर्मा जी और जितने भी महेश राणा जी, गणमान्य सारे साथियों ने
एक मीटिंग की और इस आयोजन को जल्द ही उनसे वादा किया कि करेंगे। तो आज 26 तारीख को ये राणा टाइगर क्लब ने डॉक्टर दहिया जी की मांग को मानते हुए, उनके रिक्वेस्ट मानते हुए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। लगभग इसमें 120 यूनिट के आसपास क्लब के जो सदस्य हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर दहिया जी ने जो हमें मार्गदर्शन किया है और रेड क्रॉस के सचिव हैं शर्मा जी, उन्होंने भी हमें इस कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया। तो CMO साहब ने इस कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया, हम सबका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे क्लब की जो नर्जी है वो इस दिशा में लगाई है। और हम डॉक्टर दहिया जी जैसे कह रहे थे कि आगे भी मैं इनसे उम्मीद करता हूँ, तो हम उनसे वादा करते हैं कि जब भी वो हमें कभी भी याद करेंगे इस शुभ कार्य के लिए, तो सारा क्लब एकजुट होकर इस कार्य के लिए खड़ा है उनके साथ और हमेशा उनका सहयोग करते हैं।